तो मेरे मोहतरम सामीन, जो बनावटी आशिक होगा वो ये सारे करतूत करेगा। बनावटी जो हुआ है ऐसे ही उसने वो लबादा ओढ़ा हुआ है जी, वो सारे काम करेगा। और जो सच्चा आशिक होगा वो बचेगा। नौजवान है, कलमा पढ़ा, सहाबी रसूल बने, घर आके बैठे, जिसके ऊपर आशिक हैं मिलने के लिए आई, आंखें फेर ली, आंखें फेर, उसने कहा क्या हो गया, पहले तो एक नज़र मुझे देखने को तरसते थे, आज क्या हो गया, आज क्यों आंखें फेर ली हैं। कहने लगे यहाँ से उठ के चली जाओ वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, उठ के चली जाओ यहाँ से। उसने कहा क्या मुझसे गलती हो गई, उसने कहा तेरे से कोई गलती नहीं हुई, इन आँखों ने मुस्तफ़ा का दीदार कर लिया। और जो आंखें हुजूर का दीदार कर लें वो किसी गैर महरम पे कभी नहीं पड़ सकती। ये है हुजूर के आशिक की शान, वो तो इज्जतों का मुहाफिज होता है, वो तो औरतों की इज्जतों का मुहाफिज होता है। और जो बनावटी आशिक होता है वो तो इज्जतें लूटता फिरता है। तो मेरे मोहतरम सामीन, एक कलमा पढ़ा, एक नज़र हुजूर को देखा तो कहा कि बस भाई मैं अब हुजूर का आशिक हूँ, अब हुजूर के अलावा मैं किसी को देखना ही नहीं चाहता। अल्लाह अकबर, ये है मोहब्बत हजरात सहाबा किराम की, ये है उनका इश्क। और एक हम हैं, दावे देखो कितने हैं, बज़ाहिर ड्रामे, कोई सबज पगड़ी पहन के बैठ गया, कोई सबज लिबास पहन के बैठ गया, कोई इधर हुजूर का जूता बना के बैठा है, कोई कुछ, अब तो वो दाढ़ियाँ भी सफ़ेद जो है उसको सबज कर लिया। ओ भाई, इसका नाम इश्क मुस्तफ़ा नहीं है, इश्क मुस्तफ़ा तो हुजूर की तबाह का नाम है, हुजूर की सच्ची गुलामी का नाम है। अगर इश्क इतना ही आसान होता, सबज हलवा खाने का नाम इश्क है, सबज सेमियां खाने का नाम इश्क है, सिर्फ झंडियां लगाने का नाम इश्क है, सहाबा को क्या ज़रूरत थी अपने बच्चे ज़िबा करवाने की, सहाबा को क्या ज़रूरत थी वतन छोड़ने की, सहाबा को क्या ज़रूरत थी अपना मुस्तकबिल, अपनी औलादों के मुस्तकबिल दाव पर लगाने की। बता दिया हज अच्छा, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, सब अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। वो जब तक मैं न कट मरूं ख्वाजा यसरब की इज्जत पर, खुदा शाहिद के मेरा काम अली मां हो नहीं सकता। तो मेरे मोहतरम सामीन, सहाबा ने यह कुर्बानी दे के हमें बताया, जब तक इस तरह कुर्बानी नहीं दो के हुजूर के आशिक नहीं बन सकते। ये तो सब हमने ढोंग रचा रखे हैं, तमाशा कर रखा है। याद रखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन चीज़ों से खुश नहीं होंगे। अगर तो हुजूर को खुश करना है, अगर तो हुजूर को राज़ी करना है, मैंने वो जुमला जो शुरू में दोहराया फिर दोहराता हूँ, जिनका मिलाद मनाते हो उन्हें भी मना लो, खुद हुजूर को भी मना लो, देखो तो सही हुजूर खुश है भी या नहीं है। अगर तो हुजूर खुश हैं, मुबारक है आपका हर अमल। और अगर हुजूर नापसंद करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी में इन चीज़ों को पसंद नहीं फरमाया, जिन चीज़ों को हुजूर ने पसंद फरमाया तुम भी वही करके दिखाओ। तो मेरे मोहतरम सामीन, इस आयत मुबारक में हक़ तआला फरमाते हैं, मेरे क़ुर्ब का अगर चाहते हो तुम मेरा क़ुर्ब, अगर चाहते हो तुम मेरा प्यार, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हों, अगर तुम चाहते हो हम खुदा के प्यारे बन जाएं, अगर तुम चाहते हो हम मुवाहिद बन जाएं, अगर तुम चाहते हो कब्र के अजाब से बच जाएँ, हशर के अजाब से बच जाएँ, नुस्खा एक ही है, फ़त्तबिउनी फ़त्तबिउनी, फरमाया मेरे महबूब की तबाह करो, खुदा तुमसे प्यार फरमाएंगे। और अल्लाह जिनसे प्यार फरमाएं, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, माफ़ कर देंगे हम तुमको। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना जी, तो मास्टर ने जब माफ़ करना होता था तो क्या कहते, और चल है उठ माफ़ी मांग, अ कन्नन अथला, मकसद क्या होता है उसको माफ़ करना, मकसद क्या होता है, सजा देना मकसद नहीं होता, क्या मकसद होता है, माफ़ करना। तो हक ताला भी फरमा रहे महबूब की तबाह करोगे, बिशारत दे रहे, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। शर्त इतनी है कि महबूब की तबाह का जज्बा तो दिल में लाओ ना, कि तुम्हारे नबी का तरीक़ा क्या है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाएँ क्या हैं, सोते कैसे हैं हुजूर, जागते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं हुजूर, पीते कैसे हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या अदा है तिजारत के अंदर, हुजूर की क्या अदा है मुलाजमत के अंदर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाएँ मौजूद हैं। और जो इन अदाओं को अपनाएगा हुजूर का आशिक बनता जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पे अमल की